नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। कराची में एक यात्री बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने 47 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 6 आतंकियों ने लोगों पर गोलियां बरसाई। मरने वालों में 16 महिलाएं शामिल हैं। मोटरसाइकिल पर आए आतंकवादी गोलियां बरसाने के बाद फरार हो गए। आतंकियों ने बस को रोका और ड्राइवर को उतारने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साई के खिलाफ गवाह बने महेंद्र चावला को नलोली रोड स्थित उनके घर पर पल्सर बाइक पर आए दो अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। आपको बता दें कि सनोली रोड स्थित उनके घर पर पल्सर बाइक पर सवार दो अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चला दी है। महेंद्र चावला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। महेंद्र उस समय अपने घर में थे जब उन्हें गोली मार दी गई। महेंद्र को 2 गोलियां लगी हैं। नारायण साई द्वारा अपनी लिखावट में लिखे गए तंत्र मंत्र के कागज सबसे पहले महेंद्र चावला ने सार्वजनिक किए थे। कई दिनों से था महेंद्र चावला की जान को खतरा। तो आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साई के खिलाफ गवाह बने महेंद्र चावला को सनोली रोड स्थित उनके घर पर पल्सर बाइक पर आए 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। महेंद्र चावला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। महेंद्र उस समय अपने घर में ही थे जब उन्हें गोली मारी गई। महेंद्र को 2 गोलियां लगी हैं। नारायण साई द्वारा अपनी लिखावट में लिखे गए तंत्र मंत्र के कागज सबसे पहले महेंद्र चावला ने ही सार्वजनिक किए थे। वहीं कई दिनों से महेंद्र चावला की जान को खतरा भी बताया जा रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साई के केस के जो मुख्य गवाह हैं महेंद्र चावला, उन पर हमला हुआ है, उनको 2 गोलियां लगी है, तो इस मामले में क्या ताजा जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साई के खिलाफ गवाह बने महेंद्र चावला पर हमला हुआ है। अज्ञात बाइक सवार लोगों ने उन पर गोली चलाई है जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि कई समय से महेंद्र चावला पर जो है जान का खतरा बताया जा रहा था, जिसके चलते महेंद्र चावला पर अब 2 हमलावरों ने, बाइक सवार हमलावरों ने गोली चला दी है और अब उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो आसाराम के अनुयायी रह चुके और नारायण साई के मुख्य गवाह जो थे महेंद्र चावला पर बाइक सवार युवकों ने जो है गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। और इसी खबर पर बात करते हैं अपने संवाददाता राजेश से। राजेश, आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साई केस के अहम गवाह महेंद्र चावला पर आज बाइक सवार व्यक्तियों ने जो है गोली चला दी, तो उस पर क्या ताजा जानकारी है आपके पास? तो बता दूं कि ये जो आसाराम के ये पहले तो महेंद्र चावला इसके अनुयायी रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने नारायण साई के खिलाफ जो गवाही के अंदर जो सबसे पहले इनके द्वारा जो तंत्र मंत्रों की लिखे हुए जो कागज थे इन्होंने ही सार्वजनिक किए थे महेंद्र चावला ने। आज इनको जो है की गोली मारकर
घायल कर दिया गया। दो गोली इन्हें लगी और इनका एक निजी अस्पताल प्रेम हॉस्पिटल में इनका उपचार चल रहा है और अभी तक इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जी राजेश, बताया जा रहा है कि कई दिनों से महेंद्र चावला को जान का खतरा बताया जा रहा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी दीपिका, मैं आपको बता दूं, इसी पहले ये अपनी पुलिस स्टेशन में और इनके एसपी साहब के ये कंप्लेन कर चुके थे कि मुझे जान का खतरा, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, पर इनकी को हल्के में ले लिया गया और जो आज इस घटना को अंजाम दिया गया है ये इसी का कारण है। जी दीपिका। राजेश, इस मामले को लेकर किसी तरह का किसी पे शक महेंद्र चावला द्वारा या पुलिस की किस तरह की कार्रवाई इस मामले में करने की जो है बात कही जा रही है पुलिस द्वारा? देखिए दीपिका, पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी करके अलग अलग टीम गठित करके एसपी ने मौके का मुआयना किया है और एसपी ने हॉस्पिटल में आके जो है प्रेम चावला से उसकी हालत भी देखी और उसके बाद चार टीमें बना के अलग शहर के अलग अलग टीम को अभी भेजा गया। अभी तक भी कोई किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो गई है। राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आसाराम के अनुयायी रह चुके और अब नारायण साईं के खिलाफ गवाह बने महेंद्र चावला को उनके घर के पास ही बाइक पर आए दो अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। महेंद्र चावला को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विज्ञापनों पर केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के चीफ जस्टिस की ही फोटो लगाई जाए। मुख्यमंत्री या अन्य नेताओं की तस्वीरों वाले विज्ञापन गैर कानूनी माने जाएंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मनोज राठी। मनोज, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज ये फैसला आया है, काफी अहम फैसला जो है ये माना जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो भी विज्ञापन जो होगा उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और जो चीफ जस्टिस है उनकी जो है वो फोटो जो लगेगी और उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जो है उनकी जो फोटो है वो नहीं लगाई जाएगी, वो इल्लीगल मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक काफी अहम फैसला जो है वो माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसकी बैकग्राउंड जो है, जो सीनियर वकील है प्रशांत भूषण, उनकी एक संस्था है, उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर करके जो है इस पर कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरह से विज्ञापन जो है, सरकारी विज्ञापन जो दिए जाते हैं टेलीविजन में या बाहर जो एड में दिए जाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं की फोटो जो है वो लगे होते हैं, वो जो कि गलत है। तो इसी को आज सुनवाई करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें साफ तौर पे यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है कि किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री या किसी भी नेता का कोई भी फोटोग्राफ जो है वो एड में या विज्ञापन में नहीं जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह किया है कि अगर विज्ञापन में सिर्फ जो प्रधानमंत्री हैं देश के और चीफ जस्टिस हैं जो देश के, उनकी ही जो फोटोग्राफ जो है लगाने के निर्देश दिए हैं, अगर दूसरा कोई फोटोग्राफ लगते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकारी विज्ञापनों पर केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के चीफ जस्टिस की ही फोटो लगाई जाएगी। मुख्यमंत्रियों या अन्य नेताओं की तस्वीर वाले विज्ञापन गैर कानूनी माने जाएंगे। पिछले महीने आए विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही से नेपाल अभी उभरा भी नहीं था कि मंगलवार दोपहर आधे घंटे के अंतराल पर भूकंप के कई जोरदार झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से अब तक 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और 1000 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। नेपाल में रात को फिर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.8, 4.2 और 5.1 की तीव्रता के 3 भूकंप आए। जमीन से 15 से 20 किलोमीटर नीचे सभी का केंद्र था। वहीं देर रात भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये
civilians are crying and they are in rush. They are in rush, but the people, the elder people, we are making them control. Luckily, we were here when this earthquake came today. We've had a lot of casualties, dead on arrival to the hospital. The last count I heard was 40 injured, but that is several hours ago, so the number is much higher now, and it will continue to rise throughout the night and tomorrow. आपका कहना ठीक है, ये भूकंप का आना चिंताजनक बात है, परंतु एक बात प्रमाणित हुई है इस भूकंप से, विशेषकर जो नेपाल में आया कुछ सब दिन पहले, कि भारत की डिजास्टर मैनेजमेंट की क्षमता को सारी दुनिया ने माना है, और जिस प्रकार तत्काल भारत का रिस्पांस हुआ और हर प्रकार के वहां पर रिलीफ रेस्क्यू के कामों में भारत ने सक्रिय रूप से आगे बढ़कर के जिम्मेवारी ली, उससे नेपाल की सरकार तो प्रभावित हुई हुई, सारे विश्व ने भी इसको मान लिया। और एक बड़ी अद्भुत बात और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले भूकंप की जानकारी प्राप्त हुई नेपाल की, नेपाल के प्रधानमंत्री को उसके बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को देख करके नेपाल के प्रधानमंत्री को जान, तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार सक्रिय न केवल सरकार है परंतु प्रधानमंत्री स्वयं है। और प्रधानमंत्री जब स्वयं है तो स्वाभाविक है उनकी टोली के जितने सदस्य हैं वो तो 24/7 सक्रिय रहेंगे ही रहेंगे। आफ्टर शॉक है उस भूकंप का जो कुछ समय पूर्व आया था, और उसके प्रभाव थोड़े थोड़े नॉर्थ इंडिया में भी देखे गए हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके कारण लोगों को कम से कम तकलीफ हुई हो। और सच बात यह है कि बहुत ये कष्टदायक है। अब ये इस तरह की तकलीफ है कि जो इंसान के बस में नहीं है। हमारे अर्थ साइंसेज में इतनी रिसर्चेस के बावजूद भी भूकंप को या उसके आफ्टर शॉक को पहले से जान लेना जो है संभव नहीं है। तो जनता को हमें यही कहना है कि हम इसके संदर्भ में जो सामान्य जानकारियां हैं उनके बारे में पूरी तरह से अपने आप को शिक्षित रखें, और कभी भी ऐसा महसूस होता है तो तुरंत उन जानकारियों के अनुरूप अपनी रक्षा करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा के लिए आज रात को भारत से रवाना होंगे। दिल्ली से सबसे पहले चीन जाएंगे, वहां से मंगोलिया और अंत में दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। मोदी की यात्रा के कार्यक्रम के मुताबिक पीएम चीन में 14 से 16 मई तक रहेंगे, और इस दौरान वो शियान, बीजिंग और शंघाई जाएंगे। इसके बाद मोदी 17 मई को मंगोलिया जाएंगे और वहाँ की संसद को संबोधित भी करेंगे। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 19 मई को दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। तीन देशों के उनके दौरे के दौरान व्यापार व पर्यटन सहित कई समझौते होने की संभावना है। देखिए, विदेश नीति एक दिन में नहीं बनती है, और मैं समझता हूँ कि भारत की जो विदेश नीति है वो कई वर्षों में उसको हम लोगों ने एक शक्ल और सूरत दिया है, और मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जी भी उस विदेश नीति पर ही चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी किसी भी देश के सामने जो भारत का जो इंटरेस्ट है, जो भारत का एक तरह से यूँ कहा जाए तो उसको हमेशा हम लोगों ने उसको प्राथमिकता दी है। हमारी विदेश नीति में हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि अपने देश का हित हमेशा सर्वोपरि है। देखिए, मैंने तो हरदम देखा है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन दोनों हिंदुस्तान के प्रति भावना अच्छी नहीं रखते, दिखावा कुछ होता है। आज चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई देश जहाँ पे वो व्यापार कर रहा है वो हिंदुस्तान है, लेकिन उसके बाद भी चाइना की नीयत हिंदुस्तान के प्रति ठीक नहीं है। रोड बॉर्डर पर जिस तरह घटनाएं घट रही हैं, नेपाल में हम वहाँ के भूकंप से पीड़ित लोगों को मदद करना चाहते थे, चाइना आरोप लगा रहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर चाइना की सीमा पर गतिविधियों को देख रहा, तो इस तरीके से मुझे लग रहा कि चाइना की नीयत ठीक नहीं है।
लेट अस सी ड्यूरिंग द विजिट ऑफ चाइनीज लीडर्स सेवरल इश्यूज विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड मल्टीप्लाइंग आवर relationship in different areas were discussed and now Prime Minister should take up the economic scientific cooperation between our two countries. After all, we are two neighboring countries, not only neighboring countries, we are two very fast growing economies in this part of the world. हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए तमाम जमीन सौदों की जांच एक उच्च स्तरीय जांच आयोग करेगा। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। जांच खासकर उन जमीन सौदों की होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। खबर के मुताबिक जांच आयोग जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक इसकी जानकारी देगी। मनोहर लाल खट्टर सरकार इस जांच पैनल को बनाने के आखिरी चरण में है। खट्टर सरकार इस जांच आयोग का खाका पहले ही तैयार कर चुकी है। तो जांच करने में गलत क्या है? अगर इस देश में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है तो सबकी जांच होती है। इस देश के मंत्री के ऊपर भी जांच हुई है, इस देश के प्रधानमंत्री भी जांच के दायरे में आए हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा को अगर जांच के लिए फेस करना पड़ता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अगर किसी पर कोई आरोप है, वो जांच कोई भी कराए, निष्पक्ष जांच कराए, तो उसका स्वागत करना चाहिए। मंगलवार देर रात बटाला के सिविल अस्पताल में दो गुटों के बीच हुई लड़ाई में शिवसेना हिंदुस्तान के प्रांतीय संगठन मंत्री राजावालिया व उनके भाई सहित तीन लोग जख्मी हो गए हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शराब के ठेकेदारों की दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मंगलवार रात मुर्गी मोहल्ला में अवैध शराब बेचने वालों तथा शराब के करिंदों की मामूली सी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफ से जख्मी लोगों को अस्पताल में लाया गया। तो वहीं पर पहले से मौजूदा शिवसेना कार्यकर्ताओं तथा शराब के ठेकेदारों के बीच तेज धार हथियारों के साथ लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही पार्टियों के अन्य लोग भी अस्पताल इकट्ठे हो गए, जिसमें शिवसेना के प्रांतीय संगठन मंत्री राजा वालिया तथा उनके भाई जख्मी हो गए। इसके अलावा शराब के ठेकेदार के कुछ करिंदों को मामूली चोटें लगी हैं। लड़ाई के दौरान शराब के ठेकेदार की दो गाड़ियों को आग लगा दी गई। इतने को 10 गाड़ियां ठेकेदार आ गया, कोई 100 बंदा कठा हो गया खड़ा सी। ते इन्हां जो भी ठेकेदार ने इतने शहर में जो भी आतम चाई सारे शहर को पता वा। इन्हों का मैं पिछले दिनों तो कुछ एक इन्हों का परचा जोड़ा है वो वास्ते मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जिहड़े मुंडे ते सट्टा लगी वो फादर साहब को मारना शुरू करता दातरा नाल। असी फिर दोवें ब्रदर सी आप दोवें अगे हो गए तो आप कोशिश की भी चलो इस बंदे नूं बचाया जाए। जिदा भी ये जोड़े शिवसेना हिंदुस्तान के बटाला के प्रधान ने राजा वालिया उन्होंने और उन्होंने साथियों के उत्ते हमला किया गया कुछ बंद वालों। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के 8-9 बंदे जोड़े बाय नेम लिखवाए ने और कुछ बंदे जोड़े अंशा लिखवाए ने और जो बनदियां धारावान ने 307 या होर जड़ियां भी MLR हिसाब न धारावान होनगियां और हिसाब न FIR दर्ज की जा रही है एंड वी श्योर कि जल्द तो जल्द जड़े दोषी ने अरेस्ट कर ले जाए। सोनीपत गोहाना के राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पढ़ने की बजाय स्कूल में टीचर अपनी गाड़ियां बच्चों से धुलवाते नजर आए। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं में 12वीं का परिणाम आया, जिसमें 10वीं कक्षा में 98% और 12वीं कक्षा में 47% बच्चे फेल हुए। इसका कारण बच्चों द्वारा पढ़ाई करना नहीं बल्कि स्कूलों में अध्यापकों द्वारा बच्चों से किया जाने वाला शोषण है। ऐसा ही मामला शहर के राजकीय स्कूल में सामने आया है, जिसमें स्कूल में कक्षा के समय बच्चों से अध्यापकों द्वारा गाड़ी धुलवाई जा रही थी। स्कूलों में बच्चे एक नई उम्मीद लेकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। एक बच्चा अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए पढ़ाई का सहारा लेता है। उस बच्चे पर अभिभावक यह आस करके स्कूल में भेजते हैं कि एक दिन उनका बच्चा पढ़ाई करके नेक आदमी बनेगा और उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा।
लेकिन स्कूल के अध्यापक उन अभिभावकों का सपना चूर चूर कर देते हैं और स्कूलों में बच्चों का भरपूर शोषण करते हैं। गोहाना शहर के महावीर चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यह नजारा देखने को मिला है, जिसमें स्कूल के अध्यापक बच्चों से अपनी गाड़ी धुलवा रहे हैं। स्कूल के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे, तो दूसरी ओर कुछ बच्चे स्कूल में खड़ी अध्यापकों की गाड़ी पानी की पाइप लगाकर धो रहे थे। जब उन बच्चों से पूछा गया कि वे किसके कहने से वे गाड़ी धो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वे अपने अध्यापकों के कहने से उनकी गाड़ी धो रहे थे। किसकी गाड़ी धो रहा था ये? किसने कहा था? ये मुलाकात है। स्कूल में पढ़ता है। इस बारे में अध्यापकों ने बताया कि बच्चे किसी अध्यापक के कहने से गाड़ी नहीं धो रहे, बल्कि स्कूल में बच्चों द्वारा आंगन में कुछ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें वे बच्चे पानी दे रहे थे, जिसके बाद वे खुद ही अपनी मर्जी से स्कूल में खड़ी गाड़ियां धोने लगे। नहीं, कार नहीं धो रहा था कोई भी बच्चा, कार नहीं धो रहा था, वो पेटम पानी मार दे, वो पीएन पे ले ली होगी उन्होंने, पीएन दे रहा था पानी पल के। इस बारे में जब बीईओ नवीन नारा से पूछा गया, तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ दिया और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गाड़ी धोने की नहीं, बल्कि गार्डन में जो ये फ्लावर है उनको पानी देने के लिए इसको कहा था। बाई चांस गाड़ी कान करे, जब इन अपनी ले ली थी पाइप उससे, और फ्लावर है यार, इन अपने लगा रखे हैं, उसमें थोड़ा बहुत गर्मी है, दो चार मेरे पेटे लगाए हुए हैं, क्योंकि ये जो गुलाब के फूल हैं बच्चे ना पड़े उससे लगा रखे हैं कि भाई ये मेरा पेड़ है, मेरा ये उसका पेड़ है। कहने को तो स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन वहीं इस शिक्षा के मंदिर में मासूमों के साथ इस तरह की घटनाएं होना बेहद शर्मनाक है, और इस वाक्या ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संबंधी नीतियों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनीपत से कमल मिड्डा के साथ दीपिका गुलाटी, डीएन नाइट न्यूज। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही, देखते रहिए डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।